आज विश्वकर्मा जयंती है। लखनऊ में खास कार्यक्रम का आयोजन आज के मौके पर किया गया है और इस दौरान एमएसएमई इकाइयों को 50,000 करोड़ रुपए लोन और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना और ओडीओपी के कार्यक्रम के तहत श्रमिकों को टूल किट दिया जा रहा है और कुछ श्रमिकों को लोन की राशि का ये चेक भी आप देख रहे हैं सीएम के हाथों दिया जा रहा है। विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर पचास हजार करोड़ रुपए की ऋण वितरण और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित कारीगर और हस्तशिल्पियों को टूल किट वितरण के आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री आलोक कुमार जी, सचिव श्री प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडेन जी, भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक श्री शरद चांडक जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण, बैंकों के हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश भर से यहां पर उपस्थित सभी हमारे कारीगर और हस्तशिल्पीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज विश्वकर्मा दिवस है, अनंत चतुर्दशी भी है और नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी का पावन जन्मदिन भी। भगवान विश्वकर्मा सृष्टि के शिल्पी हैं तो नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूं, समारोह में आपका अभिनंदन करता हूं। जिन कारीगरों का आज यहां पे सम्मान हुआ है उन्हें टूल किट उपलब्ध हुआ है, जिन्हें ऋण उपलब्ध हो रहा है, इन सबको भी हृदय से बधाई देते हुए इस पावन दिवस पर आपके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने जिन योजनाओं को 2018 में 2019 में प्रारंभ किया, वे योजनाएं आज देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना न केवल बनी है बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार और उत्तर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की हमारी परंपरागत उत्पाद पूरी तरह लगभग बंद सी हो गई थी, कोई प्रोत्साहन नहीं था, कोई पूछता नहीं था, ये बंदी के कगार पर था, लोग पलायन कर रहे थे। उनके सामने विकट संकट था और जब स्वयं कारीगर और हस्तशिल्पी ही संकट में हो तो रोजगार का सृजन होगा कहां से? हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, बिजली नहीं मिलती थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अलग से तलवार लटकती थी, एनओसी मिलने में वर्षों लग जाते थे, बाजार नहीं था,
उन स्थितियों में उनके सामने प्लान के सिवाय को दूसरा चारा नहीं था। लेकिन जब मार्च 17 में हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने एक तय किया कि नहीं, परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करना है। और इसके लिए हम लोगों ने उस समय एक कमेटी गठित की कि भाई देखो परंपरागत उद्यम क्या क्या है। हम लोग बचपन में सुनते थे अलग अलग जनपद की अलग अलग उत्पाद के बारे में, दोनों प्रकार के थे, मुरादाबाद का ब्रॉस का पीतल का कार्य, अलीगढ़ की हार्डवेयर के ताले, अलीगढ़ के तालों के बारे में चर्चा होती थी, सहारनपुर के फर्नीचर की चर्चा होती थी, भदोही के कारपेट की चर्चा होती थी, लखनऊ की जरी दरदोजी की चर्चा होती थी, बनारस की साड़ियों की चर्चा होती थी, फिरोजाबाद की चूड़ियों की और ग्लास के आइटम की चर्चा होती थी, और मिक्स होता था, मेरठ की कुछ आइटम के बारे में, हापुड़ के पापड़ के बारे में, अगर मेरठ की रेवड़ी थी तो हापुड़ के पापड़ भी थे, आगरा का पेठा भी था, लखनऊ का चाट भी था, वाराणसी की दही जलेबी भी थी। ये सब चर्चाएं बचपन से हम सुनते आए थे, लेकिन जब मैं स्वयं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा ये कहां मिलती हैं, देखते हैं थोड़ा। और फिर हमने खोज प्रारंभ की थी, और खोजते खोजते मुझे बताया गया कि 75 में से 57 जनपद ऐसे हैं जहां पर अभी भी वह प्रोडक्ट थोड़ी बहुत मात्रा में है, लेकिन उसको सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने कहा बाकी 18 जनपदों में, उन्होंने कहा वहां के लिए भी देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 75 के 75 जनपदों के लिए कोई ना कोई आइटम देकर के हम लोगों ने तब योजना चलाई थी, एक जनपद एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना। तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के हाथों से हमने इसका शुभारंभ किया था, उत्तर प्रदेश दिवस के दिन प्रारंभ किया था, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी सराहना करते हुए अपने बहुत अच्छे कमेंट और मार्गदर्शन इसके लिए हमें दिया था। आज इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश आज एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में उभरा है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान लाखों नौजवानों के लिए, कारीगरों के लिए, श्रमिकों के लिए अपने ही गांव अपने जनपद में नए रोजगार का सृजन इस योजना के माध्यम से करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान की योजना हम लोगों ने 2019 में प्रारंभ की, और विश्वकर्मा श्रम सम्मान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस भारत के बारे में कहा था ग्राम स्वराज की परिकल्पना को साकार करना है, वह साकार सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि इन्हीं कारीगरों और हस्तशिल्पियों के माध्यम से वह सपना साकार होना था, जिसमें गांव का ही कारपेंटर, गांव का ही लोहार, गांव का ही सुनार, गांव का वही हलवाई, गांव का ही राजमिस्त्री, गांव का ही नाव हो या मोची हो, ये सब गांव के ही अंदर रह करके अपनी आजीविका चलाते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होकर के एक दूसरे के सहयोगी करते बनते हैं, लेकिन उसको वहां पर बहुत उत्साह नहीं मिल पाता, मंच नहीं मिल पाता है। और इसलिए हमने कहा कि अगर इसको हम प्रोत्साहित करें, एक ट्रेनिंग दें, एक सर्टिफिकेट दें, ट्रेनिंग के दौरान का मानदेय दें, और ट्रेनिंग पूरी होने पर उसे टूल किट उपलब्ध करवाएं, आज की डिजाइन के अनुसार, आज की डिमांड के अनुसार अगर हम उसको प्रशिक्षित कर सकेंगे
और फिर सस्ते में उसको लोन उपलब्ध करवा पाएंगे, कम ब्याज दर पर करा पाएंगे। अनेक स्कीम है, पीएम मुद्रा की योजना है, पीएम रोजगार की योजना है, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार की योजना है, ओडीओपी की योजना है। किसी भी स्कीम के अंतर्गत अगर हम इस कार्यक्रमों को आगे बढ़ा लेंगे तो उद्यमी को भी संबल मिलेगा और साथ साथ रोजगार का भी सृजन होगा। और मुझे प्रसन्नता है कि लाखों हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर इस योजना से लाभान्वित हुए। आज उसके माध्यम से लाभान्वित होकर के एक नया जीवन जी रहे हैं और न केवल अपने परिवार की खुशहाली के लिए बल्कि समाज की खुशहाली के लिए भी काम कर रहे हैं। युवाओं को रोजगार भी दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, कहने की आवश्यकता नहीं है कि यूपी का जो युवा पहले रोजगार के लिए बाहर भागता था, आज उसको अपने जनपद में इन दो योजनाओं के माध्यम से रोजगार या स्वरोजगार मिलने में काफी मदद मिली। और इन्हीं को लोन उपलब्ध करवाने के लिए सरकार की योजनाएं भी हैं और साथ साथ हमारे बैंकर्स भी आगे आए। बैंकों ने भी बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश का जो सीडीओ रेशो था, यानी कुल पैसा जो यूपी के अंदर जमा होता था उसका मात्र 45 से 44 फीसदी पैसा ही यूपी में लोन के रूप में वितरित हो पाता था, शेष पैसा यूपी के बाहर जाता था। आज यही पैसा 60 फीसदी से अधिक यूपी के अंदर खर्च होता है और हमारा प्रयास है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसको हम 65 फीसदी तक लेके जाएंगे। यानी यूपी का पैसा यूपी के विकास के लिए ही, यूपी के युवाओं के रोजगार के लिए यूपी के अंदर खर्च हो रहा है और इसीलिए बैंक भी अपना सहयोग देने को तैयार है। सरकार ने भी योजना बनाई, अनेक योजनाएं बनाई कि ओडीओपी के अंतर्गत कोई अपना उद्यम स्थापित करना चाहता है, कोई भी उद्यम अपना लगाना चाहता है तो उस उद्यम की स्थापना के लिए सरकार एक व्यवस्था बनाएगी। 1,000 दिन तक उसको एनओसी की आवश्यकता नहीं, 1,000 दिन तक वो आवेदन करके एनओसी लेता रहेगा, अपना उद्योग लगाए और अपना उद्योग चलाए, कोई उसको परेशान नहीं करेगा। हमने व्यवस्था की कि प्रदेश के अंदर जो भी इस प्रकार के उद्योग लगेंगे वह प्रदेश के अंदर एमएसएमई में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद क्या क्या कार्यकर्ता पूरा विस्तार से दें, रजिस्ट्रेशन होने के साथ उसको हम 5,00,000 रुपए की सुरक्षा बीमा का एक कवर दे देंगे। हमने प्रदेश के अंदर व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से पहले से ही जीएसटी चुकाने वाले व्यापारियों को 10,00,000 रुपए तक का सुरक्षा बीमा का कवर दिया है और साथ साथ यह भी व्यवस्था दी है युवा उद्यमी के रूप में एक नई स्कीम हमारी आने जा रही है जिसमें प्रदेश के 10,00,000 युवाओं के लिए, नोट करना, 10,00,000 युवाओं के लिए पहले चरण में 5,00,000 और दूसरे चरण में 10,00,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उद्योग लगाने के लिए हम उसको देने जा रहे हैं। यानी सीधे सीधे 10,00,000 उद्योग लगेंगे, 10,00,000 उद्योग के लिए पैसा हमारे पास है। अब ट्रेनिंग के साथ जुड़ना, कार्यक्रम के साथ आगे जुड़ना बैंक के लिए भी आसान होगा क्योंकि उद्यम लगाने वाले युवा को तो उसमें केवल अपनी मूल पूंजी ही वापस करनी है, शेष तो सरकार उसमें सहयोग करने जा रही है और बैंक उसमें आसानी से लोन भी दे देगा। बस उसके लिए अपने रुचि के अनुरूप जिस फील्ड में आप पारंगत हैं उसके अनुरूप उद्यम स्थापित करना है। इसमें महिला, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन भी दिए गए हैं उन्हें उद्यम लगाने के लिए और मुझे लगता है कि इस दिशा में थोड़ा भी प्रयास अगर आप आगे करके कर लेते हैं इसका भारी लाभ होने वाला है। बहनों और भाइयों, याद रखना सरकार आपके साथ खड़ी है। ये जो बांटने वाली राजनीति है,
जो जाति के नाम पर तमाम वादों के आधार पर आपको बांट रही है, इससे आपका कल्याण नहीं होने वाला है। आपकी समृद्धि और प्रदेश की सुख और समृद्धि, प्रदेश में शांति और सुरक्षा का वातावरण ही आपकी वर्तमान और आपके भविष्य को सुधारने वाला है। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे, आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। और बहनों और भाइयों, हमें सोचना होगा, हमें अपने वर्तमान के साथ साथ अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ठीक करना है तो सुरक्षा पहली आवश्यकता है। सुरक्षा पहली आवश्यकता है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। व्यक्ति कमाता क्यों है? इसलिए कमाता है ना कि मेरे बच्चे, मेरे परिवार सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जाए। पर्व और त्यौहार के साथ साथ मांगलिक कार्यक्रम, शादी ब्याह मुंडन के सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे ढंग से संपन्न हो। और इसलिए सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि हर एक को सुरक्षा, सुरक्षा सबको देंगे, शासन की योजना में भागीदार सबको बनाएंगे। लेकिन अगर कोई कानून को ठेंगा दिखाएगा तो कानून उसको उल्टा लटकाने की ताकत भी रखता है। इस प्रकार का एक जज्बा भी सरकार का दिखना चाहिए। और वही कार्य ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर किया। आज आप देखो कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस नहीं करेगा, और करेगा तो खामियाजा भी भुगतेगा फिर, यह भी तय है। और इसीलिए सुरक्षा के इस गारंटी का परिणाम क्या है? आज निवेश भी हो रहा है। 40 लाख करोड़ रुपए का निवेश यूपी के अंदर एक सपना था, आज ये हकीकत है। ये 40 लाख करोड़ का मतलब 1.5 करोड़ नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। ये 1.5 करोड़ नौजवान या तो बेरोजगार रहता या फिर कहीं और जगह पलायन कर गया होता, डिप्रेशन का शिकार होता। लेकिन हमारा प्रतिभाशाली नौजवान अब डिप्रेशन में नहीं जाएगा, प्लान भी नहीं करेगा। अब वो अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ आज उत्तर प्रदेश को और देश को दे रहा है। आज इसी का परिणाम आया है। ODOP विश्वकर्मा श्रम सम्मान और सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण का परिणाम है कि जो उत्तर प्रदेश 2016-17 में देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था माना जाता था, आज वही उत्तर प्रदेश देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है और 29-30 तक उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था का मतलब हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर बेटी की सुरक्षा, हर व्यापारी को सम्मान। और उस लक्ष्य को लेकर के आज सरकार आगे बढ़ रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। ये जो कार्यक्रम है यहां पर जो किया जा रहा है, यह कार्यक्रम इसी श्रृंखला का हिस्सा है, इसी श्रृंखला का हिस्सा है। ऐसे कार्यक्रम पहले नहीं होते थे, इसके लिए ऐसा विजन भी नहीं था, क्योंकि जब एजेंडा ही दूसरा है तो ऐसे कार्यक्रम कैसे होंगे? हस्तशिल्पी के बारे में उनको जानकारी नहीं, कारीगरी के बारे में जानकारी नहीं। उनके पास तो एकमात्र मिशन था, लूटो और परिवार का पेट भरो। वह केवल अपने परिवार तक सीमित है, उनके लिए इसके सिवाय कुछ भी नहीं। बहनों और भाइयों, जब परिवार तक कोई व्यक्ति सीमित हो जाएगा, वो देश के बारे में और समाज के बारे में नहीं सोच सकता है।
उसकी दृष्टि उतनी है ही नहीं, उसका तो अपना एक सीमित दायरा है, उसी में रह करके वह व्यक्ति हर प्रकार के नैतिक कार्यों को अंजाम, अनैतिक कार्यों को अंजाम देता है। और यही होता रहा, क्यों उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट आया, क्यों उत्तर प्रदेश जो देश में आबादी का सबसे बड़ा राज्य, जिसमें देश का सबसे ज्यादा युवा, जिस प्रदेश में सबसे समृद्ध भूमि, सबसे अच्छा जल संसाधन, वह प्रदेश किसान आत्महत्या करे, युवा पलायन करे, एक गरीब भूखों मरने के लिए मजबूर हो, एक व्यापारी के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा हो, एक बेटी सुरक्षा के लिए गुहार लगाए और नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा हो जाए। यही तो पैदा किया गया था 2017 के पहले। लेकिन आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति कहीं भी देश के अंदर जाएगा, लोग उसको सम्मान की निगाह से देखते हैं, लोग बोलते हैं अच्छा उत्तर प्रदेश से हैं आप। बहनों और भाइयों, ये जो सम्मान है ना, इसमें प्रदेश का भी सम्मान है और देश का भी सम्मान बढ़ा है। आपका भी गौरव बढ़ता होगा जब उत्तर प्रदेश के नाम से आपके नातेदार, रिश्तेदार, कोई परिचित प्रफुल्लित होता होगा कि वाह आप उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के बाहर 17 के पहले जो लोग गए होंगे उनसे पूछिए, और आज जब जाते होंगे आज उनसे पूछिए कि जो परिवर्तन आया है, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग बड़े बड़े दावे जरूर करेंगे, लेकिन इनके कारनामों से हर व्यक्ति जानता है, देश और दुनिया इनके कारनामों को जानती है। और इसीलिए आज जब हम यहां पर आए हैं, विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर यहां पर आए हैं, भगवान विश्वकर्मा इस सृष्टि के शिल्पी हैं। विश्वकर्मा भगवान की इस पावन जयंती के अवसर पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान और पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत जो कार्य प्रारंभ हुए हैं उनके हस्तशिल्पी और कारीगरों का सम्मान। और मैं तो एमएसएमई विभाग से कहूंगा, हमें ये लोन मिला, ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ये टूल किट वितरण का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सभी 75 के 75 जनपदों में आयोजित करने चाहिए। ये केवल लखनऊ में ही नहीं, हर जनपद में होने चाहिए। और एक टाइम टेबल तय करिए, एक टाइम टेबल तय हो, टाइम टेबल ये कि इस सप्ताह, सप्ताह में एक कार्यक्रम एक जनपद में, एक जनपद में इस सप्ताह, इस क्रम बना देंगे आप तो मुझे लगता है कि आप आसानी से एक वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कवर कर सकते हैं। कहीं पे जहां छोटे जनपद होंगे वहां दो दो जनपदों को मिलाकर कर देंगे, तो एक वर्ष में आप प्रदेश के अंदर हर जनपद में पहुंच जाएंगे। और वहां के कारीगरों को, हर प्रकार के कारीगरों को, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के कारीगरों को पहले प्रशिक्षण उनका अलग से हो जाए, उनके लिए कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर बने, हर जनपद में हम बनाने की तैयारी करें, या हम लोग पीपीपी मोड पर ही उन्हें स्थापित करें नई तकनीक के बारे में, क्योंकि आज तो डिजाइन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पैकेजिंग भी है, मार्केटिंग भी है, ये सभी चीजें जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक उसकी ब्रांडिंग नहीं होगी। और उसको हमें प्रस्तुत करना है, वैश्विक स्तर पर पहुंचाना है, उसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए आवश्यक होगा कि उसकी पहली ट्रेनिंग हो। विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा से जुड़े हुए जितने भी हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर हैं, इनके ट्रेनिंग के कार्यक्रम जनपद स्तर पर हो। आवश्यक नहीं कि हम करें, उस जनपद स्तर पर हम लोग किराए पर कोई हॉस्टल लें, वहां पे रखने की व्यवस्था करें, या जो अपने घर से आ सकता है हम प्रतिदिन का मानदेय उन्हें दें, ट्रेनिंग दें, और फिर एक बड़ा सा आयोजन करके लोन मेला बैंकर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ पहले से बैठक करके, बातचीत करके, इतने लोगों को यहां पर हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, इनको लोन देना ही देना है,
इतने नए उद्योग स्थापित होना चाहते हैं, इनको लोन देना है, इसमें गारंटी हमारी होगी। अगर आप इस कार्यक्रम के साथ जोड़ देंगे, यूपी एमएसएमई में नंबर एक है और इतनी लंबी छलांग लगा देगा कि दूसरे राज्य को, दूसरे नंबर के राज्य को वहां पहुंचने में कई वर्ष लगेंगे, तब तक यूपी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुका होगा। एमएसएमई विभाग ने, यानी एक तो हर जनपद में इसको आगे बढ़ाना, दूसरा जैसे इंटरनेशनल ट्रेड शो का दूसरा संस्करण 25 से लेकर 29 सितंबर के बीच में ग्रेटर नोएडा में होने जा रहा है। मैंने गत वर्ष देखा था कितना बड़ा आयोजन हुआ था, 500 से अधिक फॉरेन बायर्स आए थे, प्रदेश के प्रोडक्ट को देख करके, अलग अलग सेक्टर के प्रोडक्ट को देख करके भौचक थे लोग। इतना शानदार यूपी के अंदर बन सकता है? कोई कारपेट देखता था, कोई साड़ी देखता था, कोई फर्नीचर देखता था, कोई ग्लास के आइटम देखता था, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम देखता था, कोई मेडिकल के इक्विपमेंट देखता था, अलग 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 प्रकार के। और यूपी के पोटेंशियल को एक मंच पर ले जाने का प्रयास, हजारों की संख्या में एग्जीबिटर्स आए थे, बिल्डर और बायर्स के बीच में वहां पर बहुत अच्छी बातचीत हुई, 70,000 से ऐसे लोग आए थे जिन्होंने विजिट किया था, और उसमें टोटल जो विजिटर आए थे लगभग 3,00,000 से ऊपर वहां पहुंचे थे। बहुत बड़ा सफलतम आयोजन था और फिर से इस बार होने जा रहा है। और मैं तो कहूंगा ओडीओपी के अंतर्गत जिन लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत अपना प्रोडक्ट बनाया है, बड़े पैमाने पे वहां पे रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, और एक बार आप भी देखिए, एक बार जाना चाहिए देखने के लिए। देखिए जब आप कोई अच्छी चीज देखेंगे या जनपद स्तर से ले जाने की कोई व्यवस्था की गई तो करना चाहिए, लेकिन ग्रेटर नोएडा में तो इंटरनेशनल हो ही, लेकिन हमें प्रदेश के अलग अलग कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में इस प्रकार के ट्रेड शो के आयोजन भी करने चाहिए। लोगों को पता तो लगना चाहिए यूपी के अंदर क्या 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 चीजें हैं, और फिर ये हमारे जितने कारीगर और हस्तशिल्पी हैं ये लोग भी एक नए कंपटीशन के साथ जुड़ेंगे, उस अभियान के साथ जुड़ेंगे। यूनिटी मॉल के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाना, टीएमसी जो टेक्सटाइल पार्क लखनऊ हरदोई के बीच में बनने जा रहा है इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, फ्लेटेड फैक्ट्री के कार्यक्रम जो प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों पर स्थापित हो रहे हैं, यह रेडीमेड गारमेंट्स में उत्तर प्रदेश की एक लंबी छलांग और आधी आबादी के रोजगार के एक बेहतरीन माध्यम बनने जा रहे हैं, हमें इसको और प्रोत्साहित करना होगा। तो एमएसएमई विभाग से ही फ्लेच पार्क की स्कीम, 11 फ्लेच पार्क तक स्वीकृत हो चुके हैं, कुछ बनने की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क स्थापित होंगे, ये पहली परिकल्पना है और ये काम तेजी के साथ आगे बढ़ा है। ऐसे कुछ ना कुछ नवाचार होने चाहिए। विभाग एक केवल लकीर का फकीर नहीं बन सकता, हमें जनता जनार्दन के चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार सृजन करने के लिए, अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों के प्रोत्साहन करने के लिए कुछ ना कुछ नई स्कीम के साथ निरंतर आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर हम आगे बढ़ पाएंगे तो इसका लाभ हमें प्राप्त होगा, प्रदेश को प्राप्त होगा, देश को प्राप्त होगा, और प्रधानमंत्री मोदी जी की जो मंशा है कि पिछले 10 वर्ष में उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी दूरी तय की है, दुनिया की लीडरशिप अपने हाथ में ली है, भारत आज दुनिया की सबसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में स्थापित हुआ है, तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भारत आज स्थापित हुआ है, हमारा भी प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें अपना योगदान दे सकें। आखिर राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह भाव हमें न वर्तमान में बल्कि भावी जीवन में भी हमारे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में योगदान देगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है
पिछले 10 वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है और हमें अगले 3 वर्ष के अंदर देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत का बनने का मतलब भारत एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर बनेगा, दुनिया की एक ताकत बनेगी। लेकिन हमें विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देना होगा। 2047 के लिए जो लक्ष्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किए हैं, हर कारीगर, हर हस्तशिल्पी, हर उद्यमी, हर नौजवान, समाज जीवन के प्रत्येक पक्ष से लगा हुआ हर व्यक्ति, हर नागरिक अगर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हुए आगे बढ़ेगा, अवश्य इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। और आज इसी उद्देश्य के साथ हम सब आज इस आयोजन में सहभागी बन रहे हैं। आज के इस अवसर पर जिन हस्तशिल्पियों ने यहां पर टोल किट प्राप्त किए हैं, जिन कारीगरों ने प्राप्त किए हैं, ओडीओपी के जिन उद्यमियों ने यहां पर लोन मेले से लोन उपलब्ध कराया है, इन सभी लोगों को, चाहे वह विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए हों, ओडीओपी से जुड़े हुए हों, इन सबको मैं एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको अनंत चतुर्दशी भगवान गणपति की पूजन का आज समारोह हो रहा है। इस अवसर पर इस आयोजन का, विश्वकर्मा पूजन का और प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जयंती जन्मदिन के कार्यक्रम का हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप भी अपने अपने पास क्षेत्र में एक शिल्पी के रूप में उभर करके उत्तर प्रदेश को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके कुशल निर्देशन में उत्तर प्रदेश अनवरत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री के विजेंद्र पांडियन जी को आमंत्रित करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। और चलिए रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। सीएम पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है। केजरीवाल ने एलजी को इस्तीफा सौंपा है। आतिशी होंगे दिल्ली की नई मुख्यमंत्री, एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग गई है और अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा एलजी को सौंप दिया है, तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक करके अपनी सारी एजेंसीज को उनके पीछे छोड़ा। उनको एक झूठे मुकदमे में 6 महीने तक जेल में रखा। सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को बरी किया बल्कि बहुत तीखी टिप्पणी करी केंद्र सरकार की एजेंसीज पर, कि केंद्र सरकार की एजेंसीज पिंजरे में बंद एक तोते की तरह हैं और अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी गलत थी, एक दुर्भावना के तहत की गई थी। अगर कोई भी और नेता होता, कोई भी और मुख्यमंत्री होता, तो वो तुरंत जाके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया, शायद ही इस देश के इतिहास में, मैं कहूंगी इस दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में किसी नेता ने लिया होगा। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी नहीं है, मुझे दिल्ली की जनता का फैसला चाहिए। मैं दिल्ली की जनता की अदालत में जाऊंगा और अगर दिल्ली की जनता कहेगी कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार है, तो मैं तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठूंगा।